तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, लेकर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के साथ लाजवाब वाइट सॉस बंस की रेसिपी। आप लोग हैरान रह जाएंगे किस तरह से आप लोग चिकन वाइट सॉस जो है ना वो स्टफ बंस घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन, सिर्फ फ्राई करके तैयार करेंगे हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जिमस किचन। मैं हूँ जिमल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैर आफियत से हैं। सबसे पहले स्टफ बंस के लिए हमने डो तैयार करनी है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर एक छोटे से बाउल में जो है ना वो पानी लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने यीस्ट ऐड कर दी, यानी कि खमीर ऐड कर देना है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है जी 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। देन हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है जी चीनी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। हमने इसके अंदर फिर 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, और फिर हम लोगों ने करना है इसे मिक्स, ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाए। आपने पानी जो है ना वो ज़्यादा ठंडा वगैरह नहीं लेना, बस जो सिंपल रूम टेम्परेचर वाटर होता है उतना ही ले लें, बात ख़त्म, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे से कवर लगा देना ताकि जो है ना वो यीस्ट हम लोगों की इंस्टेंट यीस्ट है तो ज़रा एक्टिवेट हो सके, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है ना वो कर देते इसे कवर। अब हमने डो गून लिया। डो के लिए मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो मैदा है 3 कप के बराबर, जो कि जो है ना वो ऑलमोस्ट बनता है जी यहाँ पर। तो जी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया है जी ये वाला पानी, यीस्ट वाला, और इसको मैं यहाँ पर डो तैयार करूँगी। पानी कम पड़ जाए तो आप एडिशनल डालते रहें, क्योंकि हम लोगों ने इसकी पतली जितनी पतली डो तैयार होगी उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बन तैयार होगा। ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊँगी भी कितना परफेक्ट जो है ना वो रिज़ल्ट आएगा इससे। तो यहाँ पर इस तरीके से डो तैयार कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी, देखिए डो कितनी ज़्यादा जो है ना वो पतली है। आप लोगों ने इसको अपनी हथेली की मदद से इस तरह से जो है ना वो जैसे वो नहीं बनाते एक जाला टाइप, वो सारा जो है ना वो तैयार करना है तेले की मदद से। ये देखिए कितना ज़्यादा पतला जो है ना हमने आटा या हमने यहाँ पे डो नीड की है। आपने भी इसी तरीके से गूंदना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो ऑयल लगा के सारा हम इसे स्मेट लेंगे, वो इजीली जो है ना वो स्टेप हो जाएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए जी स्मेट के सारा मैंने जो है ना रख दिया है जी एक हॉट पॉट के अंदर, क्योंकि हॉट पॉट में ये बहुत जल्दी जो है ना वो राइज अप हो जाता है। अब इसकी जो है ना फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर चिकन को बॉईल करने के लिए लाल मिर्चें, प्याज, हल्दी, नमक ऐड कर दिया। और लाल मिर्चें आपके पास हरी हो तो डालें, लेकिन आप में डालनी ज़रूर है हरी मिर्चें या लाल मिर्चें, इसमें आप लोग स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बॉईल करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेट करके वापस इसी जो है ना वो यखनी में ऐड कर दिया, और इस यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं ड्राई कर लूँगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाइट सॉस वाला टेक्सचर देना है हम लोगों ने, हम इसके अंदर जो है ना आप जो है क्या करेंगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर मैदा ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। यहाँ पर जी अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों ने पहले थोड़ा सा इसको कुक कर लेना है मैदे को घी के साथ, जैसे कि मैं आप लोगों करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे घी के साथ अच्छी तरीके से जो है ना वो हो चुका है जी कुक। आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देना है यहाँ पर मिल्क यानी कि दूध, इससे इसका परफेक्ट वाइट सॉस का जो है ना वो टेक्सचर आएगा। इसको जो है यहाँ पर आप लोगों ने अच्छी तरीके से थिक कर लेना है, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार करना है। इसके अंदर जो है ना वो मैंने ऐड कर देनी है यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जी नमक 1/4 टीस्पून के बराबर, ठीक है। यहाँ पर इसको कर लूँगी जी अच्छे तरीके से वेलकम है। देखिए जी कितने तरीके से जो है ना वो हम लोगों की यहाँ पर वाइट सॉस जो है वो तैयार हुई है। अच्छा जी अब हम लोगों ने जो है ना वो इसके अंदर जो हम लोगों ने चिकन को बॉईल करके रखा हुआ था ना ये ऐड कर देना है, थोड़ी सी इसके अंदर यखनी थी तो ये भी साथ ऐड कर देंगे, और ये हमने सारा चिकन ऐड कर दिया है। अब इसे करना है जी इस तरीके से मिक्स, और एक परफेक्ट सी फिलिंग तैयार करनी है जो कि 4 चांद लगा देगी हमारे स्टफ बंस को, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ये तैयार करके दिखा भी रही हूँ। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। इतनी देर में मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, मैंने आने वाली हर न्यू रेसिपी का लाइफ हैक का टिप्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकेगा आप तक। लाजवाब से खुशबू के लिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दिया है जी यहाँ पर रेड ओरिगैनो तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर, इससे इस फीलिंग में अच्छी सी खुशबू भी आएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना इसको परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक का होने तक कुक करना है, ठीक है। देखिए जिसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है, अब आप लोगों ने इसका चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी और अच्छी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। देखा आप लोगों ने कि ये कितनी अच्छी फीलिंग तैयार हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जो हम लोगों को सारा सामान यानी कि जो है ना हम लोगों की डो जो हमने तैयार की है ये सारी फीलिंग है हम लोगों के पास। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना फिल करने स्टार्ट करने, फिल किस तरह से करने, पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर डो का तैयार कर लेना है जी पेड़ा, वो भी छोटा सा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी फ्राई होंगे ना इन्हें राइस करना यानी कि फूलना है, तो फिर ये जो है ना काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना वो पेड़ा तैयार कर लेना है जिस तरह से आप सिंपल रोटी का करते हैं, एंड देन आप लोगों ने जो है ना इसको फैलाना हाथों की मदद से स्टार्ट कर देना है। आपको यहाँ पर रोलिंग पिन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
इस तरीके से जो है ना वो बस ही फैल जाएगा। देखिए इस तरह से हमने फैला दिया है, इसको जितना फैलाना था हम लोगों ने। अब जो है ना वो मैं इसके अंदर ये फिलिंग ऐड कर दूँगी जितनी हम लोगों ने जो है ना अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करनी है। ये मैं फिलिंग जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये देखिए जी अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने ऐड कर दी जितनी हम लोगों ने करनी थी। मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको बंद करना है। ऐसे फिंगर की मदद से इसको जो है ना आप लोगों ने इस तरह बंद करते जाना है। ये देखे देखा आप लोगों ने ये मेरी कितने तरीके से जो है ना इजीली मैंने क्विकली से बंद कर दिए। इस तरीके से आप लोग सारे बंद तैयार कर लें। कोई स्टेप समझना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या वीडियो को आप लोग जो है ना वो रिवर्स करके भी यानी पीछे करके भी जो है ना दोबारा से देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे बंद किया है। तो अब आप लोग इस तरीके से जो है ना वो सारे के सारे अपने बन स्टफ तैयार कर लें। तो ये देखिए जिस तरह से जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, ऐसे आप लोग जो है ना वो बीच में रखे इसके फिलिंग और फिर जो है ना आप लोग इसको कर दे जी इस तरीके से तैयार। देखिए जी काफ़ी हद तक जो है ना वो मेरे रेडी हो भी चुके हैं। यहाँ पर फिलिंग आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। और ये देखिए जी इस तरह से जो है ना वो ये मैं आपको दिखा रही हूँ चमकी मत से थोड़ा सा इसको अंदर प्रेस करें। और ये देखिए जी मैं दूसरा तरीका जो मैं आपको बंद करने का दिखा रही हूँ, ये देखिए जी अब हम लोगों ने इसको जो है ना वो फ्राई करना है। ऑयल का ये टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है ना वो गर्म नहीं करना आप लोगों ने ऑयल को। अब जो हम अपने बंस ऑयल में ऐड कर देते हैं, ये देखिए जी अब हम लोगों ने जो है ना इसकी साइड को चेंज कर देना है। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आता है कि इसको हम फ्राई करेंगे, एक तरफ से आ चुका है तो मैंने इसकी साइड को जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। ये देखिए जी इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, इसको देख कर जो है ना वो मुँह में पानी आ रहा है। तो अब हम लोग जो है ना वो अच्छे से कलर आने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप लोग ऐड पे देखिएगा कि इसकी जो ये डो हमने तैयार की थी ये बन किस हद तक का सॉफ्ट है। और याद रखिएगा बड़े लोगों को जो है ना इसी की टेंशन होती है कि ये ऑयल पी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऑयल बिल्कुल नहीं पीते ये। अब तो देखिएगा जितने ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे उतना ही वापस जो है ना वो रह जाएगा, ये इतने ईजिली जो है ना वो अब्जॉर्ब भी नहीं करते ऑयल को, फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए जब हम लोग जो है वो इसको कर लेंगे जी यहाँ पर डिश आउट, और इसी तरीके से जो है ना वो बाकी सारे बंस हम लोग कर लेंगे जी अपने फ्राई। और मैं आपको दिखाती हूँ जब इस रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह हमारे लाजवाब मज़ेदार चिकन वाइट सॉस स्टफ बंस तैयार हो चुके हैं। उम्मीद की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे तो इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, रेसिपी तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखें, मुझे फैमिली को दुआ में लाजमी याद रखें। देखें ये बंस कितने ज़्यादा जो है ना वो ऑथेंटिक लाजवाब तैयार हुए हैं, और इनकी डो भी कितनी ज़्यादा जो है ना वो अच्छी है, सॉफ्ट है, कितनी ज़्यादा डिलीशियस ये बंस हैं। आप लोग हैरान रह जाएंगे जब भी रेसिपी घर पर ट्राई करेंगे। तो मुझे तो इजाज़त लाजमी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।